हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो कहां पर यूज होता है, क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है न्यूटन सेकंड लॉ की। फोर्स अप्लाइड, सॉरी, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। या हम ये भी बोल सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीपी बाय डीटी। अब यहां पर एक बात समझिए, डीपी है चेंज इन द मोमेंटम, जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम यानी फोर्स भी उतना ही ज्यादा। डिवाइड में है डीटी, टाइम। देखिए, डिवाइड वाली टर्म जितनी बढ़ती है आंसर उतना कम आएगा हमारा, डिवाइड वाली टर्म जितनी कम होगी आंसर उतना ही ज्यादा आएगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, 1/10 और एक है 1/1, दोनों में से बड़ा कौन है? 1/1, क्योंकि इसके डिवाइड में टर्म छोटी है और 1/10 डिवाइड में टर्म बड़ी है ना, तो आंसर कौन सा बड़ा हुआ? 1/1 बड़ा है, 1/10 छोटा है। डिवाइड की टर्म जितनी बड़ी होती है आंसर उतना ही छोटा होता है हमारा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाय डीटी। तो पहली एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं, ए क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए बॉल। एक बॉल को कैच करते टाइम जो क्रिकेट प्लेयर है अपने हाथों को नीचे की ओर कर लेता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो अपने हाथों को नीचे की ओर इसलिए करता है क्योंकि जब बॉल का वो मोमेंटम चेंज कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है? बॉल का मोमेंटम। और मोमेंटम को चेंज करने के लिए उसने जो टाइम लिया वो टाइम बढ़ गया। टाइम क्या हो गया? बढ़ गया। और देखिए, टाइम अगर बढ़ता है तो फोर्स घटता है, अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। तो हाथों पे कम से कम चोट लगे, इसीलिए एक क्रिकेट प्लेयर कैच करते टाइम अपने हाथों को नीचे की ओर कर लेगा। ए क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल। क्यों? टू इंक्रीज द टाइम ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम को चेंज होने में जो टाइम लगा उसको बढ़ाने के लिए। सो दैट द फोर्स ऑन हिज हैंड्स डिक्रीज रिड्यूस्ड, ताकि उसके हाथों पर लगने वाला फोर्स वो कम हो जाए। तो सेकेंड एप्लीकेशन है, ए पर्सन फॉलिंग फ्रॉम ए सर्टेन हाइट ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर गेट इंजर्ड मोर, बट ए पर्सन फॉलिंग ऑन द हीप ऑफ द सैंड फ्रॉम द सेम हाइट डज नॉट गेट इंजर्ड। व्हाई? मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो कि रेत के ढेर पर गिरता है उसको चोट नहीं लगती, जबकि सीमेंटेड फ्लोर पर जो गिरता है उसको चोट लगती है, या उसको चोट ज्यादा लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम सीमेंटेड फ्लोर पर गिरेंगे और एक बार जब हम हीप ऑफ सैंड पर गिरेंगे तो दोनों केस में मोमेंटम चेंज तो सेम हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम क्या है? सेम। लेकिन एक चीज अलग है, जब हम सीमेंटेड फ्लोर पे गिरते हैं तो वहां पर मोमेंटम चेंज होने में जो टाइम लगा वो टाइम काफी कम था, एकदम से हमारी बॉडी रेस्ट पर आ जाती है, तो टाइम कम है इसीलिए बॉडी पर लगने वाला फोर्स ज्यादा है। लेकिन जब हम गिरते हैं रेत के ढेर के ऊपर तो क्या होता है, हमारी बॉडी रुकने में थोड़ा टाइम लेती है, थोड़ी सी नीचे प्रेस होती है हमारी बॉडी, तो टाइम टू चेंज द मोमेंटम इंक्रीज। तो वहां पर टाइम के बढ़ जाने की वजह से जो फोर्स है वो कम हो गया है, इसीलिए वहां पर इंजरी नहीं होती। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल्स आर प्रोवाइडेड विद द शॉकर्स। ऑटोमोबाइल्स में कुछ शॉकर्स लगे होते हैं, ऐसा क्यों? शॉकर्स इसलिए अप्लाई किए जाते हैं ताकि अगर एक रफ सरफेस, रफ रोड के ऊपर हम जा रहे हैं तो वहां पर झटके लगते हैं चलते टाइम, उसको जर्क बोला जाता है, तो टाइम ऑफ द जर्क इंक्रीज हो जाता है शॉकर से। क्या हो जाता है? टाइम ऑफ द जर्क इंक्रीज, जिससे कि फोर्स हमारी बॉडी के ऊपर वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज, और हमारी जर्नी जो है इट विल बी मोर कंफर्टेबल। मान लीजिए, जैसे सपोज कीजिए कि शॉकर्स नहीं लगाए गए, आप सीधा डायरेक्टली ऐसे ही बैठे हो और जो आपकी सीट है वो भी गद्देदार नहीं है, एक फट्टा लगा रखा है सिंपली, आप उसके ऊपर बैठे हो और चलते जा रहे हो और रोड है पूरा रफ सरफेस, तो क्या हाल होगा आपका आप समझ सकते हो। तो सीट भी गद्देदार क्यों है? वो भी हमारी जर्नी को कंफर्टेबल ही बनाता है, उससे भी टाइम ऑफ द जर्क इंक्रीज होता है।
इसीलिए फोर्स हमारी बॉडी पर डिक्रीज होगा एंड आवर जर्नी विल बी मोर कंफर्टेबल। कांच के कुछ जो बर्तन हम मार्केट से लेकर के आते हैं उनके बीच में हमेशा अखबार के कुछ टुकड़े लगे होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम उनको एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाते हैं तो वो एक दूसरे से टकराएंगे जिसकी वजह से वो टूट सकते हैं, लेकिन अगर बीच में न्यूज़पेपर का या किसी और कपड़े का कोई टुकड़ा है तो उससे जो टाइम है उनका मोमेंटम चेंज होने में वो टाइम बढ़ जाता है, मोमेंटम को ट्रांसफर होने में टाइम ज्यादा लगता है एक ग्लास से दूसरे ग्लास की तरफ, तो जिसकी वजह से क्या होगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा और टाइम इंक्रीज होने से फोर्स डिक्रीज, इसीलिए वो टू कांच के बर्तन जो है टूटने से बच जाएंगे। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ की एक और एप्लीकेशन क्या है कि जब एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को पंच करता है तो वो क्या करता है, अपने फेस को पीछे की ओर ले जाता है। यहां पर क्या हुआ, जैसे वो अपने सिर को या पीछे की तरफ लेके जाता है तो उससे क्या होगा, टाइम ऑफ द कॉन्टैक्ट या टाइम टू चेंज द मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, और टाइम के बढ़ने से क्या होगा, जो फोर्स है जो उसको चोट लगने वाली है वो कम लगेगी अब पहले की बजाय। तो ये किसकी वजह से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहां से क्या किया, जैसे पंच आया वो अपने सिर को या फेस को क्या करेगा, पीछे ले जाएगा, अब उससे क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा और फोर्स कम हो जाएगा। अच्छा, एक एप्लीकेशन और है कि कराटे प्लेयर जो है वो इजीली अपने हाथों के साथ कैसे इंटों को तोड़ देते हैं। देखिए, वो अपने हाथों से जब इंटों को तोड़ते हैं काफी फास्टली अपने हैंड्स को मूव करवाते हैं, तो इससे क्या होगा, जैसे वो फास्टली मूवमेंट करवाएंगे अपने हैंड्स की तो उससे टाइम कम लगेगा, और जितना कम टाइम होगा जो इंटों के ऊपर ब्रिक्स के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। अब जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतनी ही इजीली वो जो ब्रिक्स हैं दे विल बी ब्रेक, सो अगेन दे आर एबल टू ब्रेक द ब्रिक्स विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन।